नमस्कार दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेल की फाइनल कट ऑफ को लेकर। दोस्तों मैंने पहले एक मेल की फाइनल कट ऑफ की वीडियो बनाई थी, लेकिन मैंने उसमें बताया था कि यदि आपके इतने नंबर जाता है तो आपका फाइनल सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। लेकिन बच्चों ने मेरे पास कमेंट किया था कि हमको ये मत बताओ, हमको तो ये बताओ कि इतने नंबर वाला इतने प्रतिशत सेफ है और इतने नंबर है तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज दोस्तों मैं आपको नंबर बताने वाला हूँ, यदि आपके उतने नंबर है तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों गारंटी के साथ कहता हूँ कट ऑफ जो आज बताऊंगा इतनी रहेगी। और एक बात और ध्यान रख लेना, आज मेरी कट ऑफ की अंतिम वीडियो है, फिर आप मेरे पास बार बार कमेंट करोगे ना, वापस से कट ऑफ की वीडियो नहीं बनाऊंगा। इसलिए बोल रहा हूँ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज मैं बात करने वाला हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेल की फाइनल कट ऑफ, सिर्फ और सिर्फ मैं मेल के बताऊंगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको सबको पता होगा मेल के फिजिकल कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ दोस्तों जो पॉजिटिव आए थे उनके बच रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मेल के फिजिकल कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, मेरे पास सभी आंकड़े हैं, ज्यादातर बच्चों का स्कोर क्या है आपको सबको पता होगा। मैंने पोल करवाया था और उसमें 3000 से ज्यादा बच्चों ने दोस्तों क्या किया था, पोल किया था। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि ज्यादातर बच्चों का स्कोर क्या है, कौन सी कास्ट का स्कोर बच्चों का क्या है, और कितने बच्चे फिजिकल में पास हुए, कितने फेल हुए, कितनी उपस्थिति रही, और कट ऑफ क्या रह सकती है, सभी आंकड़े मेरे पास है। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिल्कुल ऑथेंटिक कट ऑफ आपको बताने वाला हूं, जो भी दोस्तों प्रूफ के साथ, ध्यान से सुन लेना, प्रूफ के साथ बताने वाला हूं। तो चलता हूं टॉपिक के ऊपर, उससे पहले चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को दबाकर ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लेना, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। दोस्तों आपको मैं कुछ बातें बता देता हूं, इनको आपको ध्यान रखनी है, आपको सबको पता भी होगा, क्योंकि हमको दोस्तों पहले फिजिकल के ऊपर चलना पड़ेगा। यदि कितने बच्चे फिजिकल में पास हुए, क्या आई है, सब कुछ मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ज्यादातर बच्चों का स्कोर क्या है। यहां पर मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा दोस्तों, देखो ये स्क्रीनशॉट, इसमें 70+, ध्यान से सुन लेना, जिनका स्कोर 70+ है, 24% बच्चे ऐसे है जिनका स्कोर 70+ है, 21% बच्चे ऐसे है जिनका स्कोर 66 से 70% है, और 35% बच्चे ऐसे है जिनका स्कोर 60 से 65 के बीच में है, और 21% बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 50 से 59 के बीच है। दोस्तों मैंने पोल करवाया था, बच्चों से उनके नंबर पूछे थे कि आपका स्कोर क्या है और आप कौन से कास्ट के अंदर आते हो, तो 3000 से ज्यादा बच्चों ने पोल किया है। इसमें जो ज्यादातर बच्चों का स्कोर निकल के आया है, वो स्कोर निकल के आया है 60 से 65 के बीच में। दोस्तों कितना, 60 से 65 के बीच में स्कोर निकल के आया है, 70+ भी है, ध्यान से सुन लेना, 70+ भी हैं, लेकिन 24% बच्चे ऐसे हैं जो 70+ हैं, और आपको सबको पता भी होगा ज्यादातर बच्चे दोस्तों पोल में झूठ भी बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं ज्यादातर का स्कोर निकल के आया दोस्तों, वो निकल के आया है 60 से 65 के बीच में, आपने सबने देख लिया होगा। अब मैं लेके चलता हूं फिजिकल की तरफ। दोस्तों आपको सबको पता होगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कितने मेल को फिजिकल के लिए बुलाया गया था, लगभग दोस्तों 44,664 को, कितने बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था, 44,664 को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। और आपको ये भी सबको पता होगा कि कितने बच्चे फिजिकल देने उपस्थित हो रहे थे, लगभग दोस्तों 70%, किसी दिन दोस्तों 66, 67, 68, किसी दिन दोस्तों 72 भी, किसी दिन 70 भी, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा लगाते हैं 70% बच्चे फिजिकल देने उपस्थित हुए थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 44,664 का 70% हम निकालते हैं तो लगभग दोस्तों 31,264 बच्चे फिजिकल देने उपस्थित हुए थे, ध्यान से सुन लेना। और आपको सबको यह भी पता होगा दोस्तों, जब 50 का बैच दौड़ा रहा जा रहा था, जब कितने बच्चे पास हो रहे थे, कभी तो दोस्तों 16, कभी 17, कभी 22, कभी 23, कभी आंकड़ा दोस्तों 28-29 तक भी पहुंच गया था, और कभी कभी आंकड़ा आपको बता दूं 50 में से 7-8 पर भी आ गया था, कितने पर, 7-8 पर भी। तो हम लगा सकते हैं सबका मिला के दोस्तों लगभग 35% बच्चे आराम से फिजिकल क्लियर कर रहे थे। लेकिन दोस्तों अंतिम समय में जब लास्ट में फिजिकल थे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 50 में से, ध्यान से सुन लेना, 50 में से 27-27, 28-28 बच्चे पास हुए थे, लेकिन हमको उनको भी लगाना है जो दोस्तों 50 में से 7-8 बच्चे पास हुए थे। अब कमेंट करेंगे कि मेरे बैच में से 50 में से 32 बच्चे पास हुए थे, लेकिन मुझे भी पता है बच्चे पास हो रहे हैं,
लेकिन पहले क्या था, पहले का भी तो सोचो, पहले 50 में से 7-7, 8-8 बच्चे पास हो रहे थे, तो हम लगा सकते हैं लगभग 35% बच्चे फिजिकल में पास हो रहे थे। तो हम लगाते हैं फिजिकल में पास 35%, हम बच्चे कितने उपस्थित हुए, 31,264, जिसमें से 35% बच्चे ने क्या किया, फिजिकल किया। तो हम कह सकते हैं लगभग दोस्तों 10,942 कितने बच्चों ने फिजिकल किया, लगभग 10,942 बच्चों ने फिजिकल पास कर लिया था। अब मैं आपको बता दूं टोटल पोस्ट कितनी है मेल की, लगभग 3,902। कितनी पोस्ट है दोस्तों, 3,902 पोस्ट है मेल की, फीमेल की नहीं बता रहा, मेल की। और यदि हम लगाए दोस्तों तो जितनी पोस्ट है उससे ज्यादा बच्चे फिजिकल में पास हुए, ध्यान से सुन लेना, जितनी पोस्ट है ना उससे बच्चे ज्यादा पास हुए। कितने ज्यादा पास हुए, लगभग दोस्तों 7,000 बच्चे ज्यादा पास हुए। मतलब कि हम कह सकते हैं कहीं ना दोस्तों कंपटीशन है। यदि हम कंपटीशन निकालते हैं एक सीट पर कितने बच्चों को कंपटीशन है, तो आपको बता दूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेल में एक सीट पर 3 बच्चे फाइट करेंगे, मतलब कि 3 बच्चों में से एक बच्चा सिलेक्ट होगा, तो एक सीट पर दोस्तों 3 बच्चे फाइट करेंगे। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, आगे दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि बच्चों का स्कोर क्या है। अब मैं आपको फाइनल कट ऑफ की ओर लेके चलता हूं, फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। सब कुछ मैंने आपको बता दिया दोस्तों, आपको मेरे फिजिकल के बारे में बता दिया, इसके अलावा मैंने आपको दोस्तों स्कोर भी बता दिया, ठीक है दोस्तों, स्कोर भी बता दिया कि ज्यादातर बच्चों का फाइनल स्कोर क्या है, आपको मैंने बता दिया ज्यादातर का स्कोर है 60 से 65 के बीच में। अब मैं लेके चलता हूं दोस्तों फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है, फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पर मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं मेल की, इसके अलावा दोस्तों आपको एक्स सर्विस मैन की भी बताने वाला हूं। आपको मैं कट ऑफ बताने वाला हूं मेल की, ध्यान से सुन लेना, जनरल कैटेगरी में, ध्यान से सुन लेना, जनरल कैटेगरी में जिस भी बच्चे के 68 से, ध्यान से सुन लेना, 68 से और 71 नंबर है ना, ठीक है, कट ऑफ इतनी ही जाने वाली है जनरल कैटेगरी की, 68 से और 71, ठीक है। ओबीसी की बता दूं मैं आपको, ओबीसी में यदि जिसी के 66 से और 68 नंबर है, ध्यान से सुन लेना, ओबीसी मेल में यदि 66 से 68 नंबर है तो आप 100% से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ईडब्ल्यूएस में आपको बता दूं, यदि आपके ईडब्ल्यूएस में 58 से लेकर 69 नंबर है, ध्यान से सुन लेना, ईडब्ल्यूएस में 58-59 नंबर है तब भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, आपको कोई बार नहीं करने वाला। एससी में मैं आपको बता दूं, एससी में यदि आपके 57 से और 58 नंबर है, ध्यान से सुन लेना, एससी कैटेगरी में 57 से 58 नंबर है, 57-58 नंबर यदि आपके हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन से आप कोई नहीं रोक सकता। एसटी कैटेगरी में आपको बता दूं दोस्तों, एसटी में यदि आपके 59 और 60 नंबर है, क्योंकि दोस्तों मैं इतनी क्यों जाने वाली है, क्योंकि आपको सबको पता होगा जो फाइनल स्कोर था दोस्तों, जो पेपर की कट ऑफ गई थी वो गई थी 55 एसटी की, तो कम से कम 5-6 नंबर तो आराम से बढ़ेगी एसटी की भी। तो ये आपके 59 से 60 नंबर है एसटी कैटेगरी में तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया लगभग दोस्तों कट ऑफ आपको इतनी ही देखने को मिलेगी, ध्यान से सुन लेना, जनरल कैटेगरी में थोड़ी सी कट ऑफ ज्यादा जाने वाली है, मतलब कि 68 से 71 नंबर है जनरल कैटेगरी में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ओबीसी में यदि 66 से 68 नंबर है तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस में यदि 58-59 नंबर है तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एससी में यदि 57-58 नंबर है 100% सिलेक्शन हो जाएगा, और एसटी में यदि 59-60 नंबर है तब भी आपका फाइनल सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। यदि आपके इतने नंबर है तो दोस्तों आपको पक्का जॉब मिल जाएगी, ध्यान से सुन लेना, इतनी ही कट ऑफ आपकी जाने वाली है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। अब ज्यादातर कमेंट करेंगे कि जनरल कैटेगरी कितनी जाएगी, बिल्कुल दोस्तों जनरल कैटेगरी कितनी जाएगी, क्यों, क्योंकि आपको सबको पता होगा एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इन बच्चों के ज्यादा नंबर है ना, वो बच्चे भी जनरल फाइट करेंगे, मतलब कि उनको जनरल में डाल दिया जाएगा। यदि जनरल कैटेगरी के बराबर नंबर होंगे और जनरल में दोस्तों जो एज रखी गई थी उस एज के अंदर आप आते होंगे तो आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। ज्यादातर का डाउट भी होता है कि जनरल फाइट कौन कर सकता है, तो मैं आपको बता दूं यदि आपके कोई सी भी कैटेगरी के अंदर आप आते हो, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी किसी में भी आते हो, यदि आपके जनरल कैटेगरी से ज्यादा नंबर है, ध्यान से सुन लेना, जनरल कैटेगरी से ज्यादा नंबर है और आपकी उम्र जो जनरल कैटेगरी की उम्र के बराबर है, यदि उससे ज्यादा है, यदि आपने छूट ली है, ध्यान से सुन लेना, एज में
छूट लिया है तो आप जनरल कैटेगरी में नहीं जा सकते। दोस्तों जनरल कैटेगरी का क्राइटेरिया था, उसके अंदर यदि आप आते हो और जनरल से ज्यादा नंबर है तो आपको आपकी कास्ट में से उठाकर जनरल कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ जनरल कैटेगरी में थोड़ी सी कट ऑफ ज्यादा जा सकती है, लेकिन मैंने आपको बता दिया इतने यदि आपके नंबर है तो आपके 100% चांस है। कितने दोस्तों? 99.99% चांसेस सिलेक्शन के। दोस्तों मैंने सब कुछ खोल खोल के बता दिया। मेरे पास आप कमेंट कर रहे थे ना कि हमको तो नंबर बता दो, तो मैंने आपको बता दिया इतने नंबर है ना तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एक्स सर्विसमैन की बता दूं आपको, एक्स सर्विसमैन की ज्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। यदि 2-3 नंबर भी ज्यादा है एक्स सर्विसमैन के तो उनका भी फाइनल सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस है। तो मैंने सब कुछ बता दिया, फीमेल की अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। चैनल पे यदि पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को दबाकर आल पे जरूर सेलेक्ट कर लेना, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।